ग्रुप डी के रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं। कौन कौन से रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, किस किस जोन के रिजल्ट आ चुके हैं वो यहाँ पर जानेंगे, और अभी किस किस के बचे हुए हैं वो भी यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ यहाँ पर कट ऑफ भी देखेंगे कि क्या कट ऑफ जा रही है बोर्डों के हिसाब से। तो हम आए हैं सरकारी रिजल्ट.com पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जोन का एक साथ आपको लिंक मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो सारे बोर्डों की लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अहमदाबाद बोर्ड है। RRB अहमदाबाद की बात करें तो रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पर लिखा है रिजल्ट के लिए जो है आप देख सकते हैं क्लिक हियर, मतलब रिजल्ट जो है यहाँ पर जारी किया जा चुका है अहमदाबाद का। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद का भी रिजल्ट जारी हो चुका है, और RRC चेन्नई ने भी रिजल्ट जो है वो कर दिया है भैया जारी। मुंबई की बात करें तो मुंबई का रिजल्ट जारी हो चुका है, पटना का रिजल्ट जारी हो चुका है, भोपाल का, और यहाँ पर रांची ने भी रिजल्ट कर दिया है जारी। आगे बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का भी रिजल्ट जारी हो चुका है, गुवाहाटी का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन अभी बचा हुआ है गोरखपुर का, अभी बचा हुआ है जम्मू श्रीनगर का, और यहाँ पर कोलकाता का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कोलकाता के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर अजमेर ने भी रिजल्ट जारी, देखिए अजमेर ने जारी किया है, लेकिन मुजफ्फरपुर, मालदा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम का रिजल्ट नहीं आया है, और ना ही आया है अभी बिलासपुर का। तो ये रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन सिकंदराबाद ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, और जारी कर दिया है बेंगलुरु ने भी अपना रिजल्ट, और यहाँ पर सिलीगुड़ी का भी अभी रिजल्ट नहीं आया है, और यहाँ पर भुवनेश्वर ने रिजल्ट जारी कर दिया है। तो जो बाकी बचे हुए हैं इनके रिजल्ट आपको कल तक देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ कट ऑफ कि ये जो कट ऑफ क्या जा रही हैं इस बार। कट ऑफ रखी गई है वो रखी गई है भोपाल की। भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइज स्कोर है UR के लिए वो 65.8756 है, जबकि परसेंटाइल जो बैठ रहा है वो 96.64962 है। इसी तरह से SC की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर है वो 49, यहाँ पर जो मार्क्स आ रहे हैं 49.33077, तो यहाँ पर परसेंटाइल जो बैठी है 87.05688 बैठी है। ST की 44.8489 और यहाँ पर 83.62098 इसका परसेंटाइल बैठा है। OBC का 58.53089, तो यहाँ पर परसेंटाइल जो बैठा है वो 93.44380 बैठा है। EWS के लिए यहाँ पर जो है 40 नॉर्मलाइज मार्क्स बने हैं, तो 79.24869 जो उसका क्या बना है भैया यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर बना है। एक्स सर्विसमैन का भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। तो सबसे कम जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं EWS की ही मेरिट भोपाल में गई है। अगर आगे यहाँ पर बात करें दूसरे बोर्ड की तो देखिए दूसरा बोर्ड कौन सा है, पटना बोर्ड है। इस बार जो आपके सामने है ये पटना बोर्ड है। अगर हम पटना बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल की 66.200042 और परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर 97.9548 रहा है। SC का 50.12797 और 90.31139 जो है परसेंटाइल स्कोर रहा है। ST की बात करें मार्क्स रहे हैं 43.35320, तो यहाँ पर जो है परसेंटाइल स्कोर 85.66167 रहा है। OBC का 61.88634, तो OBC का परसेंटाइल स्कोर 96.47605 बना है। EWS के लिए 52 क्या बन चुका है यहाँ पर आप देख रहे हैं 52.45553, तो परसेंटाइल स्कोर जो यहाँ पर बना है 91.64536 बन गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं ये किस बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अहमदाबाद बोर्ड है, और इसी तरह से आप अहमदाबाद बोर्ड का भी स्क्रीनशॉट लेकर सभी चीज़ें देख सकते हैं। जर्नल का यहाँ पर मैं बता दूँ मार्क्स जो है 82.67315 रहा है
तो यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर 97.093 95 रहा है। चलिए आगे जिन बोर्डों के भी कट ऑफ आएगी उनको भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही।